बकवास चीजें जो मैंने सेक्स के बारे में सुनी है पार्ट वन। पहला, अगर एक लड़की आवाजें या मोन नहीं कर रही है मतलब वो सेक्स एंजॉय नहीं कर रही है, गलत। प्लीज डोंट एक्सपेक्ट द वुमन टू मोन ऑल द टाइम। और कुछ लड़के लोग ना यार ईगो पे ही ले लेते हैं और सोचता है शायद मेरी बंदी या पार्टनर ना एंजॉय ही नहीं कर पाते। कभी कभी ना साइलेंस ही गोल्डन होता है। एंड अगर इतना ही डाउट आ रहा है कि आपकी पार्टनर सेक्स एंजॉय कर रही है या नहीं कर रही है तो उसी से कम्युनिकेट करके पूछ लो ना, तो वो आपके लिए भी बेटर है और उसके लिए भी। बस आवाज या मॉर्निंग ही मैट्रिक्स मत रखना कि वो एंजॉय कर रही है या नहीं। दूसरा, सिर्फ लड़के लोग ही ज्यादा सेक्स के बारे में सोचते हैं, लड़कियां नहीं। ऐसा नहीं है यार, जितना लड़के सोचते हैं उतना लड़कियां भी सोचती है। बी ऑनेस्ट यार, दोनों को ही चाहिए होता है। वैसे मैंने है ना कुछ दिन पहले एक स्टडी में पढ़ा था कि वुमेन आर मोर इंटरेस्टेड इन सेक्स देन मेन। तीसरा, पुल आउट मेथड से मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरी पार्टनर प्रेग्नेंट नहीं होगी उतनी मेरी गारंटी। हाय सर, जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर टू लेट यू नो दैट सिर्फ एक टाइनी स्पर्म ही काफी है आपके पार्टनर को प्रेग्नेंट करने के लिए। एंड सर, देयर आर आल्सो चांसेस कि प्रेगनेंसी कैन हैपन वाया प्री इजैकुलेशन एज वेल। बाकी आप समझदार हो सर। सो या गाइस, पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो इज कमिंग सून। डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड स्टार्ट नॉर्मलाइजिंग दीज टॉक्स विद सनी बायोजी।